Om Shanti. Om Shanti. Okay, तब जब अब तो समय है, समय बहुत नाजुक है, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चलेंगी, और ऐसे समय में अगर आपके बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, अभ्यास होगा, तो आप सहज उस परिस्थिति को पार कर सकेंगे, और अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में दुनिया जैसे पश्चाताप करेगी वैसा पश्चाताप हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए अंत में हमें पश्चाताप ना करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए रोज हम अपनी ड्रेस को पहने, देखें, जो कमी रह गई है उसको क्या करें, पूरी करें, और अपनी ड्रेस को फिट करें, संपूर्ण स्वरूप को धारण करें, तब हम चलते फिरते उठते बैठते अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले सच्चे सच्चे दर्पण बन सकेंगे। तो बाबा हम बच्चों के चेहरों से दिखाई दे, बाबा कहते ना चलते फिरते म्यूजियम बन जाओ, ये म्यूजियम तो हमने बहुत बना लिए, बन गए ना, बहुत सारे म्यूजियम तैयार हो गए हैं, लेकिन अब चैतन्य म्यूजियम जल्दी जल्दी तैयार हो और जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो, उसके लिए जो कुछ बाकी रहा हुआ है अब पूरा करना है, करना है ना। तो इसके लिए रोज में जांच तो अपनी करनी पड़ेगी, रोज मरना पड़ेगा। वैसे किसी को कहो ना मर जाओ तो कहेगा गाली देते हो, लेकिन बाबा यहाँ रोज और हर पल मरना सिखाता है। हमारी क्वीन मदर थी, दीदी जी की मदर, वो कहा करती थी, झुक झुक झुक, मर मर मर, और सिख सिख सिख, झुकना सीखो, मरना सीखो, और क्या करो, जी झुकना भी है, मरना भी है, और सबसे सीखना है, गुण हर एक से सीखो। जैसे हंस होता है ना, तो हंस क्या करता है, महिमा तो हमने सबने बहुत सुनी है ना, दूध पानी को अलग अलग कर देता है, कंकड़ मोती, और हंस देखा है नहीं देखा है, तो कौन से हंस है, कौन से हंस है, हम होली हंस है, हम ही तो हैं। हम अपने आप में देखें कि हम कितने होली हंस बने हैं, कितने मोती चुगते हैं, कोई कंकड़ तो नहीं चुग लेते बीच बीच में, जब कंकड़ चुग लेते हैं तो मन खराब हो जाता है, दांत टूट जाते हैं कई बार, तो वो कंकड़ क्या है, अवगुण, कमी कमजोरी। अगर हमें किसी की कमी कमजोरी अवगुण दिखाई पड़ गए तो इसका मतलब हमने कंकड़ स्वीकार कर लिया। इसलिए सदा होली हंस बन करके हरेक से गुणों का, मोतियों का चुगना हम सीख लें, तो बस संपूर्णता हमसे दूर नहीं है, हम सह संपूर्ण बन जाएंगे।